आज धूप बहुत कड़ा हो रखा था और एक कस्टमर का कॉल आता है, कहते हैं मेरा ऐसी कूलिंग ही नहीं कर रहा है, इंडोर और आउटडोर दोनों भी चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है लेकिन कूलिंग ही नहीं हो रहा है। यहाँ जाके पता चलता है इनके एसी का गैस कहीं से लीक हो गया है, तो हम लोग लीकेज खोजने के लिए सरफ पानी का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया है फ्लेयर नट को, लेकिन वहां से लीकेज नहीं मिला। फिर इंडोर में हमने अच्छे से चेक किया, वहां भी लीकेज नहीं मिला। फिर हमने आउटडोर को ही अंदर ले लिया उठा के, पूरा का पूरा आउटडोर को ही। आखिर में आउटडोर के 400 PSI का प्रेशर डालने के बाद हमें आखिरकार लीकेज मिलता है। 1/4 के वाल्व में लीकेज था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर वाल्व लीकेज हो तो उसका लीकेज बनता नहीं है, वो पूरा का पूरा वाल्व भी चेंज करना पड़ता है। वाल्व हमारे पास नहीं रहता तो हम अपने बंदे को भेज देते हैं वाल्व के लिए, और वाल्व लगा के हम लोग अच्छे से आउटडोर को जगह पर रख के टाइट करने लगते हैं फ्लेयर नट को। फ्लेयर नट को अच्छे से टाइट करने के बाद हम लोग वापस इसमें प्रेशर डालते हैं चेक करने के लिए कहीं से फ्लेयर नट से लीकेज वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हमने एसी में R32 गैस डाला। गैस डालने के बाद कूलिंग एकदम टकाटक एकदम मस्त आ रही थी। अभी एक मस्त काम करते थे हमारे चैनल।